कर्त्रे सर्वमंगलदायिने शंकराचार्यवर्याय यतिराजायते नमः। सभी को नारायण स्मरण। ओम नमो नारायणाय। सौंदर्य लहरी के संबंध में विचार करते हुए सौंदर्य लहरी की महिमा और उसके साथ स्तोत्र ग्रंथों की महिमा। स्तोत्र ग्रंथों में सामान्य रूप से देवताओं की स्तुति होती है, किंतु स्तोत्र ग्रंथ स्तुति मात्र नहीं है, उसमें वेद तत्वों का भी संकलन है। जन सामान्य की दृष्टि से स्तोत्र ग्रंथों को ऋषियों ने रचा है। ये कहा गया था कि स्तोत्र ग्रंथों के पाठ में विशेष दीक्षा आदि की आवश्यकता नहीं होती है और जन सामान्य उसका पाठ कर सकता है। हाँ, इतना ध्यान रखना होगा कि वो उसका उच्चारण सही ढंग से हो। तो किसी गुरुजी से उच्चारण सीख लेने पर स्तोत्र ग्रंथ का पाठ करके कोई भी उसका उत्तमोत्तम फलों को प्राप्त कर सकता है। वेद में जिनका अधिकार नहीं है, जिन्होंने वेदाध्ययन नहीं किया है, उनके लिए हमारे आचार्यों ने, संप्रदाय के आचार्यों ने वेद के उपनिषद तत्वों को लेकर के ही अनेकों स्तोत्र ग्रंथ प्रकरण ग्रंथों की रचना की है। इसी के ये विशेषता इसी में है कि वेद में जितने कुछ प्राप्ति कही गई है, कामनाएं, प्राप्तियां और चतुर्विध पुरुषार्थ कहे गए हैं, ये सभी कुछ स्तोत्रों के द्वारा भी प्राप्त होता है। और इस विषय में हमने उदाहरण के तौर पर यह कहा था कि पुरुष सूक्त जो वेद का मंत्र है, चारों वेद में सभी शाखाओं में प्राप्त होते हैं। इस पुरुष सूक्त का ही स्तोत्र रूप, यानी उसी का अर्थ को स्तोत्र के रूप में प्रतिपादन करता है विष्णु सहस्रनाम। विष्णु सहस्रनाम महाभारत में आने के कारण इतिहास के अंतर्गत है और विष्णु सहस्रनाम का पाठ का जो कुछ भी नियम वहां शांति पर्व में कहा गया है, उन नियमों का, उन आचारों का पालन करना है और उसके साथ शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से यदि पाठ करता है तो वो पूर्ण कार्य करता है। इसी प्रकार हमारे आचार्यों ने कहा है, जो शिव महिम्न स्तोत्र है वह रुद्री अष्टाध्यायी का नमक का प्रतिरूप है, ऐसा कहा है। इसलिए शिव महिम्न स्तोत्र की भी इतनी महिमा लोग में प्रसिद्ध है। तो पहले उपोद्घात के रूप में हमने ऐसे स्तोत्रों के संबंध में विचार किया और सगुण निर्गुण निराकार साकार इत्यादि वेद में अनेक प्रकार के आत्मा के, परमात्मा के रूप है। उन रूपों को स्तोत्रों के द्वारा अथवा इतिहास पुराण आदि कथाओं के द्वारा प्रकट किया है लोकोपकार के लिए। तो इसको लेकर के जब हम उपनिषदों में देखते हैं तो उपनिषद में भी, जबकि उपनिषद अद्वैत ज्ञान का स्रोत है,
अद्वैत ज्ञान का प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। उन उपनिषदों में भी भगवान के रूप में आत्मा का ही साकार वर्णन भी मिलता है। प्रकट होना और साकार रूप में प्रकट होकर के आशीर्वाद देना इत्यादि भाव वहां दिखता है। इसके लिए केनोपनिषद के जो तृतीय खंड में जो अंतिम भाग है उसका उदाहरण हमने दिया था। तो तस्मिन् आकाशे स्त्रियमाजगाम इत्यादि मंत्र का उदाहरण दिया था। और सौंदर्य लहरी की बात करते हैं तो सौंदर्य लहरी में पूरे 100 श्लोक है और कहीं कहीं पाठ भेद से 103 श्लोक भी मिलता है, किंतु 100 श्लोक प्रामाणिक माने गए हैं जिन पर संस्कृत में ही प्रामाणिक टीकाएं उपलब्ध है। उनमें 100 श्लोकों में 41 श्लोक तक आनंद लहरी नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि 8वां श्लोक में चिदानंद लहरी ऐसा शब्द का प्रयोग आता है, इसलिए आनंद लहरी के रूप में उसको कहा जाता है। और बाकी जो शेष श्लोक है 42 से लेकर के 100 श्लोक तक, इसको सौंदर्य लहरी नाम से कहते हैं, क्योंकि 44वां श्लोक में तनोदुक्षेमं नस्तववतन सौंदर्य लहरी ऐसा शब्द आया है कि देवी के वदन सौंदर्य को लेकर के वहां वर्णन है। वो वदन सौंदर्य तनोदु क्षेमम नहा, हमारे क्षेम का विस्तार करें, हमें क्षेम प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें, ऐसी प्रार्थना, इसी नाम से वहां सौंदर्य लहरी नाम दिया गया। इस प्रकार स्तोत्र का विचार किया, ये स्तोत्र जैसे शिव महिमना स्तोत्र है इसी प्रकार शिखरिणी छंद में है और सुंदर छंद है गाने के लिए भी, अनेक अनेक रागों में गा सकते हैं। इसमें प्रमुखता से हम देवी उपासना का ही रूप देखते हैं तो भी इसमें शिव की भी उपासना है और विष्णु की भी स्तुति है, गणेश की भी स्तुति है, कार्तिकेय की स्तुति है। वैसे तो देवी उपासना की ये महिमा भी है, आप सभी जानते हैं कि देवी उपासना कोई भी भक्त कर सकता है अपना कामनाओं को प्राप्त करने के लिए, कोई भी भक्त कर सकता है, वो चाहे शैव हो या वैष्णव हो अथवा गणपत्य गणपति को भगवान मानने वाला हो या सूर्य को भगवान मानने वाला हो, कोई भी देवता को भगवान मानता हो वो देवी उपासना कर सकता है। यहां तक कि हमने शास्त्रों में देखा है कि बौद्ध लोग भी, जबकि वो वेद को नहीं मानते हैं, हमारे देव देवताओं को नहीं मानते हैं, तो भी उनके यहां भी उनके प्रसिद्ध मंत्रों में भी देवी उपासना ही कही गई है और अनेक प्रकार के उपायों से, तांत्रिक उपायों से देवी उपासना बौद्ध दर्शन में भी प्रचलित है। तो शिव के उपासक के लिए पार्वती के रूप में, विष्णु के उपासक के लिए लक्ष्मी के रूप में और गणेश जी के उपासक के लिए सिद्धि रिद्धि के रूप में, आदि जो श्री कृष्ण के उपासक हैं उनके राधा के रूप में, सभी रूप में देवी की ही उपासना होती है। और जहां जहां शिव आदि त्रिदेवों के मंदिर है और अन्य देवताओं के मंदिर है वहां भी देवी के स्थान, देवी के मंदिर भी होते हैं। हमारे काशी में ही काशी विशालाक्षी, अन्नपूर्णेश्वरी देवी आदि आदि प्रसिद्ध मंदिर, पुराण प्रसिद्ध मंदिर विद्यमान है, आप सभी दर्शन करते हैं। तो ये देवी उपासना की एक महिमा। और इसमें एक विशेष बात ये भी उल्लिखित है
कि ऐसी उपासनाओं में जो नियम तो कहा है, सामान्य जो शौचादि नियम तो है ही, किंतु इसमें कोई जाति पाति वर्ण या देश प्रांत आदि का भेद नहीं कहा। जब हम उन फलश्रुति देखते हैं या जिस प्रसंग में ये स्तोत्र आदि आए हैं उनको देखते हैं, तो इस प्रकार का भेद भावना वहां नहीं मिलती है। तो ये स्तोत्र ग्रंथों की विशेष संदर्भ में कहा था। अब ये स्तोत्र सौंदर्य लहरी स्तोत्र से और परिचय लेते हुए कि हमने ये कहा था इनके सौंदर्य लहरी स्तोत्र में जितनी व्याख्याएं आई है, जो कि अभी आप सब विद्यार्थी हैं इसका स्मरण करते हैं, तो उनके व्याख्याओं के बारे में जानना आपके आगे के अध्ययन के लिए अच्छा हो सकता है, इसलिए वो व्याख्याओं के बारे में थोड़ा संक्षेप में कहूँगा। तत्पश्चात जो स्तोत्र के एक एक श्लोक के तात्पर्य, पूरे 100 श्लोकों का संक्षिप्त तात्पर्य कहता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। तो ये स्तोत्र में, क्योंकि इस स्तोत्र में सभी कामनाओं की प्राप्ति है, ये हमने बार बार कहा। इसका कारण क्या है कि इस स्तोत्र को पुरुषार्थ के रूप में बनाया गया, यानी सभी पुरुषार्थ जिससे प्राप्त हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसी कारण से हमारे आद्य शंकराचार्य जी के जो अनुयायी हैं उनकी परंपरा में इस स्तोत्र के पाठ को बहुत महत्व दिया, और उसका फल आप देख भी सकते हैं। उनके परंपरा के आचार्यों में जो भक्ति के प्रति दृढ़ता है और जो कार्य उन्होंने लोगों में संपन्न किया, इनको देखते हैं तो ये मालूम पड़ता है कि उपासना का भी उसमें बल है। अद्वैत ज्ञान तो उच्चतम ज्ञान है, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु अंतःकरण शुद्धि के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए सगुण उपासनाओं की भी आवश्यकता है। ऐसे शंकराचार्य भगवान स्वयं भाष्य में कहते हैं कि अप्रत्याख्यायैव कार्य प्रपंचम सगुण प्रक्रियां च आश्रयति सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यत इति, कि प्रपंच को लेकर के भी वर्णन किया जाता है, ब्रह्म को सगुण प्रक्रिया के द्वारा भी कहा जाता है। कारण यह है कि सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यत इति, सगुण उपासना में उसकी उपयोगिता है। इसी प्रकार वेदांग के संबंध में भी उपासनाएं आप देखते हैं, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सारी उपासनाएं हैं। तो इसलिए उपासना शंकर परंपरा में प्रसिद्ध है, और बाद में उनके अनुयायियों के द्वारा अन्य सिद्धांतों में भी ये उपासनाएं चली गई है। और आगम शास्त्रों के अनुसार अर्थात तंत्र शास्त्रों के अनुसार इन उपासनाओं का और भी प्रकार से विस्तार हुआ, जिसमें योग साधना भी सम्मिलित हो गए। ऐसे हम देखते हैं तो ये सौंदर्य लहरी स्तोत्र एक समग्र स्तोत्र कहा जा सकता है। इसके गुण को लेकर के भी, तात्पर्य को लेकर के भी, प्रयोग को लेकर के भी, प्रयोजन को लेकर के भी, सभी दृष्टि से समग्र स्तोत्र है। जैसे अन्य अन्य स्तोत्र है, अन्नपूर्णा स्तोत्र है जिसको लेकर आप भजन करने से अन्न की प्राप्ति होती है, कनकधारा स्तोत्र है जो आद्य शंकराचार्य भगवान के द्वारा ही रचित है, उसको लेकर के पाठ करने से धन की प्राप्ति होती है, और उन्हीं के द्वारा रचित सुब्रह्मण्य भुजंग प्रयात आदि स्तोत्र है जिनको प्रयोग में रोग आदि, ज्वर आदि रोग आदि निवारण के लिए किया जाता है,
तो ऐसे अलग अलग विधान के लिए तो है, स्तोत्र अलग अलग है, किंतु यह संपूर्ण स्तोत्र है, समग्र विधान इसमें प्राप्त होता है। इसलिए ही इस स्तोत्र में अनेक प्रामाणिक व्याख्याएं हैं कि संस्कृत में ही प्रायः 11 से अधिक व्याख्याएं प्राप्त है। इसमें आपके जानकारी के लिए कहूं कि नाग पब्लिकेशन दिल्ली से कुप्पु स्वामी के द्वारा संपादित एक सौंदर्य लहरी की व्याख्याओं के ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, जो भी लेना चाहते हैं, रेफर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसमें संस्कृत में प्रसिद्ध प्रामाणिक व्याख्याओं का संकलन किया है। उसमें लक्ष्मीधर आचार्य की व्याख्या है कि लक्ष्मीधर आचार्य बहुत सुंदर ढंग से शब्दों के अर्थ, तात्पर्य आचार्य परंपरा के अनुसार, समयाचार के अनुसार व्याख्या करते हैं। ये लक्ष्मीधर आचार्य की व्याख्या उसमें है। और दूसरी व्याख्या सौभाग्य वर्धिनी नाम से है, अरुणा मोदिनी नाम की व्याख्या है, और आनंदगिरी व्याख्या भी है। जो आनंदगिरी आप जानते हैं, सारे प्रस्थान त्रय पर शंकराचार्य ग्रंथों पर व्याख्या लिखे हैं, उपदेश सहस्त्री पर व्याख्या लिखे हैं, तो ऐसे आनंदगिरी आचार्य के द्वारा भी सौंदर्य लहरी की व्याख्या है उसमें। और उस व्याख्या में सौंदर्य लहरी स्तोत्रों के एक एक स्तोत्र के प्रयोग के संबंध में विशेष कथन है, और एक एक श्लोक में जो अनावृत तो नहीं होते हैं, यानी गुप्त रूप से जो मंत्र है, उन मंत्रों का भी उन्होंने प्रकाशन किया है, उन मंत्रों को प्रकट किया है। ऐसे सुंदर व्याख्या आनंदगिरी जी के हैं। तात्पर्य दीपिनी नाम की व्याख्या है, पदार्थ चंद्रिका व्याख्या है, डिंडिम भाष्य व्याख्या है, गोपाल सुंदरी नाम की व्याख्या है, आनंद लहरी नाम की व्याख्या है, कैवल्य वर्धिनी नाम की व्याख्या है, और उसके साथ में तत्र तत्र टिप्पणियां भी दी हुई है। तो बहुत सुंदर एक संकलन है सौंदर्य लहरी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और अनेक दृष्टि से व्याख्याएं की गई है। तो ये अत्यंत उपादेय ग्रंथ मालूम पड़ता है। और उसके बाद हिंदी में संतों के द्वारा ही, शंकरा परंपरा के अनेक संत हैं, उनके द्वारा ही हिंदी में ग्रंथ रचित है। जैसे कैवल्य आश्रम स्वामी जी का ग्रंथ है, हिंदी में व्याख्या है, और स्वामी अच्युतानंद जी का है, और बाबा मोदीलाल जी नाम के बाबा जी हैं, उनकी व्याख्या है, हिंदी में है, और विष्णु तीर्थ स्वामी जी की व्याख्या है, और धिंडी स्वामी सदानंद सरस्वती जी की व्याख्या है, जो यहाँ हमारे शंकर परंपरा के पीठों में द्वारका पीठ के अभी वर्तमान वहाँ के संचालक है, वहाँ के शंकराचार्य जी तो स्वरूपानंद जी महाराज जी है, लेकिन उनके शिष्य वहाँ विराजमान रहते हैं, स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज। उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या हिंदी में तैयार किया है, उसमें प्रयोग भी दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। और रामकृष्ण मिशन से भी हिंदी में और अंग्रेजी में तपस्यानंद स्वामी जी की व्याख्या है, इत्यादि व्याख्याएं हैं। और एक नादानंद जी स्वामी जी नाम से जम्मू में, जिन्होंने इस ग्रंथ पर भी अच्छा रिसर्च किया और श्री विद्या उपासना पर भी रिसर्च किया है, ऐसे नादानंद जी के भी ग्रंथ प्राप्त हैं। इस प्रकार के व्याख्याएं हैं, जो रेफर करना चाहते हैं इनको ले सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि सौंदर्य लहरी सभी के लिए है, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए सौंदर्य लहरी विशेष है। शंकराचार्य जी भगवान सौंदर्य लहरी के माध्यम से उन श्लोकों में, अनेक स्थानों में प्रार्थना करते हैं ज्ञान के लिए, विद्या के लिए, और हर जगह प्रार्थना में मेरे लिए ज्ञान मिल जाए ऐसी प्रार्थना नहीं है,
क्योंकि आचार्य तो अद्वैतवादी थे ही, तो सभी के अंदर विराजमान जो परमात्मा है, परमात्मा के भाव से ही वे स्तुति करते हैं। तो साकार निराकार को जोड़ना कैसा है और साकार निराकार, निर्गुण निराकार, इसका संबंध क्या है, इसको भली भांति आचार्य जी इस ग्रंथ में प्रकट करते हैं। उसमें एक उदाहरण ऐसा है 43वें श्लोक में, धुनोदुध्वान्तं नः तुलिददलितेन्तीवरवनम्। तो वहां धुनोदुध्वान्तं नः, ध्वान्त यानी अज्ञान, अज्ञान को निवारित किया जाए, अज्ञान को निर्माजन किया जाए, तो ऐसा हमारे लिए धुनोदुध्वान्तं नः अस्माकं ये शब्द प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार उसी के आगे के श्लोक में, तनो दुक्षेमं नः तव वदन सौंदर्य लहरी। इस प्रकार सौंदर्य लहरी नाम दे करके, ये सौंदर्य लहरी आपके जो वदन सौंदर्य लहरी है, हम सबके लिए क्षेम के लिए हो, हम सबके भलाई के लिए हो, इस प्रकार से सब जगह नः अस्माकम इस अर्थ में प्रयोग करते हैं आचार्य जी। इससे दिखता है कि सर्वसामान्य के लिए पाठ किया जा सकता। अभी हम आगे 27 तारीख को यहाँ संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक एक बड़ा सामूहिक सौंदर्य लहरी पाठ का आयोजन किया है, पारायण का आयोजन किया है। उसमें लगभग 10,000 छात्र छात्राएं, माताएं, पुरुष सभी भाग ले रहे हैं। तो जो भी इसको श्रवण करना चाहते हैं, यदि आपको अवकाश हो तो उस समय 27 तारीख को संपूर्णानंद प्रांगण में आ सकते हैं। तो ये सामूहिक पाठ का मैं कह रहा था कि आचार्य जी ने स्वयं उसमें उल्लेख किया। तो जब नहा अस्माकम अस्मान ये बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो एक सामूहिक भावना वहां आ जाती है। इसलिए ही ये ग्रंथ आज के समय में सभी को साथ लेकर के, सभी के जीवन के लिए, हम सभी की भलाई के जब हम विचार करते हैं तो ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये आज के संदर्भ में कहा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए शेष समय में हम संक्षेप में श्लोकों का तात्पर्य का चिंतन करेंगे। पूरे 100 श्लोक है। 100 श्लोक में पहले का 41 श्लोक को हमने आनंद लहरी नाम से जाना। इसको आनंद लहरी इसलिए कहा कि ये 41 श्लोक में ही भगवान शंकराचार्य जी ने सारे सिद्धांतों को सम्मिलित किया। देवी उपासना कैसी होनी चाहिए, ध्यान कैसे होना चाहिए, देवी का रूप क्या क्या रूप में होता है, और शिव और शक्ति का संबंध क्या है, और अन्य देवताओं का शिव के साथ, शक्ति के साथ कैसे संबंध है, ऐसे अनेक विषय जो तांत्रिक सिद्धांतों के रहस्य के रूप में विद्यमान है, उन विषयों को प्रकाशित करते हुए, उन विषयों को अंदर रखते हुए ये श्लोकों की रचना की है। इतना ही नहीं, ये इन श्लोकों में आप देखेंगे कि श्री विद्या मंत्र, जो प्रसिद्ध श्री विद्या मंत्र है पंचदशाक्षरी, उस मंत्र को भी इस श्लोक के अंदर रखा गया है। और श्री चक्र, जो श्री यंत्र, श्री मेरु आदि नाम से प्रसिद्ध है, श्री चक्र को भी, उसका वर्णन भी इसी के अंदर रखा गया है। तो जो पंचदशाक्षरी मंत्र के पूजन नहीं कर सकते हैं, उनके जब नहीं कर सकते, उनको दीक्षा नहीं मिली है, तो वो पाठ करके भी उसका प्रयोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके साथ में ये भी सूचना करूं कि जब आप पंचदशाक्षरी आदि मंत्र के बारे में कहते हैं, तो मंत्र यदि साक्षात जानना है तो गुरु दीक्षा से ही प्राप्त करना है। लेकिन उस मंत्र को जब स्तोत्र में हम पाठ करते हैं, मंत्र में जितने देवता है, जो मंत्र के संकल्प है, उसको स्तोत्र के रूप में पाठ करते हैं, तो दीक्षा की आवश्यकता नहीं। ये भेद भी ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये ना समझना चाहिए कि स्तोत्र
के लिए दीक्षा की आवश्यकता नहीं, गुरु दीक्षा की आवश्यकता नहीं कहने पर किसी मंत्र की लिए नहीं आवश्यकता नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। तो अब श्रीचक्र की पूजा कोई करना चाहता है तो उसके लिए अवश्य ही गुरु के पास जाना पड़ेगा, गुरु जैसे ही सिखाएंगे उसी के अनुसार ही करना पड़ेगा और कोई विकल्प उसमें नहीं है। किंतु उसके स्थान पर आप इसका स्तोत्र का पाठ करते हैं भक्तिपूर्वक भावपूर्वक जैसा यहाँ वर्णन किया वैसा पाठ करते हैं तो आपको कालांतर में उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। तो पहला श्लोक में शंकराचार्य जी शिव शक्ति का ऐक्य जो तंत्र शास्त्रों में प्रसिद्ध है और शिव शक्ति के रूप में शिव के रूप में चैतन्य ब्रह्मा और शक्ति के रूप में माया को जो वेदांत में सोपाधिक ब्रह्म कहते हैं सगुण ब्रह्म कहते हैं उस भाव में पहले वर्णन किया और स्तोत्र रचना की महिमा गाई शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुम इत्यादि कहकर यदि देवी का आशीर्वाद नहीं होगा तो प्रणम तुम स्तोदम वा कथम अग्रत पुण्य प्रभवती तो किसको ऐसे सामर्थ्य मिलेगा जिसके पास यदि पर्याप्त पुण्य नहीं होगा तो कौन ऐसा स्तोत्र गा सकता है आपकी स्तुति कर सकता है। तो इस प्रकार के स्तोत्र की महिमा और शिव शक्ति ऐक्य को दिखाया। ये शिव शक्ति ऐक्य प्रकृति और पुरुष का संबंध है और प्रकृति और पुरुष को हम चैतन्य रूप से एक मानते हैं वेदांत सिद्धांत में जो भगवद गीता में भी देखने को मिलता है और सांख्य की दृष्टि से थोड़ा अलग है। सांख्य प्रकृति और पुरुष को भिन्न मानते हैं ये आप सभी जानते हैं। तो इसको वहाँ प्रथम श्लोक में प्रकट किया और उसके बाद में जैसा शास्त्रों की शैली है कि कोई भी गहन विषय पर विचार करते समय साधन के संबंध में विचार करते समय सृष्टि के आदि काल से प्रारंभ करते हैं जिससे कि हमें स्पष्ट ज्ञान हो जाए कि ये सृष्टि समष्टि रूप में या सृष्टि के पूर्व काल में सृष्टि के उपादान के रूप में ये संपूर्ण सृष्टि एक ही तत्व से जने एक ही तत्व के ये विस्तार है। ये हमारे मन में ये भाव आ जाए समष्टि भावना आ जाए इसके लिए उपनिषद हो या अन्य कोई भी ग्रंथ हो पुराण हो सर्वत्र सृष्टि का वर्णन मिलता है। तो ऐसे ही यहाँ स्तोत्र में भी उसी परंपरा को लेते हुए आचार्य जी ने तनीयाम संपाम सुम तव चरण पंके रुह भवम विरिंचि संचिन्वन विरजयति लोकान विकलम इत्यादि शब्दों के द्वारा सृष्टि के प्राक्काल का वर्णन किया कि वो पराशक्ति है परमात्मा के रूप में ऐक्य रूप में जो पराशक्ति है उस पराशक्ति के चरण पंके रूह भवम चरण कमलों से उत्पन्न जो धूली है उस धूली को उस उपांशु को लेकर के ही ये संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी करते हैं ऐसी भावना से दूसरे श्लोक में वर्णित है। क्योंकि ये दूसरे श्लोक की ये जो भावना है आगे कई श्लोकों में उसको अनुवर्तन किया गया और तीसरे श्लोक में एक मुख्य बात कहते हैं कि ये सब उपासना हम करते हैं सृष्टि का वर्णन जानते हैं इसका क्या प्रयोजन है। तो अविद्यानाम अंतस्तिमिरमिहिरद्वीप नगरी जडानाम चैतन्य स्तबक मगर अंतश्रीचरी तो यहाँ अविद्या की निवृत्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति और जो दरिद्र होंगे जिनके पास धन संपत्ति पर्याप्त नहीं है उनके लिए देवी के इस रूप का चिंतन करना चिंतामणि के समान है। चिंतामणि यानी जिस मणि को हाथ में रख करके जो भी चिंतन किया जाता है वो प्राप्त होते हैं ऐसे एक मणि की कल्पना शास्त्रों में मिलती है जैसे कल्पतरु की कल्पना है कामधेनु की कल्पना है इसी प्रकार चिंतामणि रूप है सारे गुणों की प्राप्ति होती है। और जलधो निमग्नानाम जो संसार सागर में डूबे हैं उनको उद्धार करने के लिए मुररिपु वराहस्य भवति
जैसे विष्णु के वराह अवतार है, अवतार लेकर के भूमि का उद्धार किया, उसी प्रकार ये संसार सागर में उद्धार करने के लिए भी ये स्तोत्र उपयुक्त है। ये देवी की भावना, देवी की उपासना उपयुक्त है, ये तीसरे श्लोक में कहा, जो हमारे शास्त्र का मुख्य विषय है। और चतुर्थ श्लोक में अभय वरद आदि के संबंध में कहा कि जब हम राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के भावचित्र को देखते हैं, जिसका वर्णन आगे आएगा, उस भाव में, वो भावचित्र में, त्रिपुर सुंदरी के आकार में हाथों में अभय और वरद मुद्रा नहीं दी गई होती है, जबकि अन्य देवताओं के लिए अभय वरद मुद्रा अवश्य ही होते हैं। तो अब आचार्य जी उसको काव्य भावना से लेते हुए कहते हैं कि आपके रूप में, स्वरूप में अभय वरद मुद्रा इसलिए नहीं है क्योंकि शरण्य लोकानाम तव ही चरणावेव निपुणौ, आपके चरण कमल ही अभय वरद देने के लिए पर्याप्त है, वो अभय वरद आपके चरण कमलों से ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए अभय वरद मुद्रा अलग से नहीं दिखाई गई है, ऐसे काव्य भावना से वर्णन करते हैं। और पांचवां श्लोक में जो सृष्टि का कारण है कामना, हम काम को दो रूप में देख सकते हैं, काम माने इच्छा, और काम एक विकार भी होता है, और इच्छा भी विकार भी दोनों सृष्टि का कारण होता है। हम जब व्यापक दृष्टि से उसकी भावना करते हैं, कामना से ही सारी सृष्टि हुई है। सो कामयद बहुस्याम प्रजायेय, ये वाक्य उपनिषदों में आता है। सृष्टि के आदिकाल में वो सगुण सोपाधिक परमात्मा ने कामना की कि मैं सृष्टि करूं, ये सबसे पहले की कामना है सृष्टि के प्रति। तो इसलिए स्तोत्र में भी उस भावना से, यहां कोई काम विकार की बात नहीं, क्योंकि एक उत्कृष्ट भावना में उस कामना को, उस इच्छा को, उस संकल्प को लिया गया है कि देवी की ही संकल्प से, देवी की ही इच्छा से विष्णु हो, शिव हो, कामदेव हो, सभी अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस भाव को पांचवा और षष्ठ श्लोक, दोनों श्लोक में दर्शाया गया, यानी काम के एक अलौकिक रूप जो आध्यात्मिक दृष्टि से हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि भावना जैसे हम करते हैं वैसे उससे ज्ञान होता है। जो ऐसा भगवान ने कामोस्मि भरदर्शभा जो कहा, उसी भावना से सृष्टि के आदि में जो कामना है वो तो भगवान का स्वरूप ही। सातवां श्लोक में अभी जैसा हमने कहा, अभी छह श्लोक तक देवी का, राजराजेश्वरी का, त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप वर्णन नहीं हुआ था, किंतु सातवां श्लोक में देवी का स्थूल स्वरूप का वर्णन करते हैं, कुणत कांजी दामा करिकलप कुंभस्तनन था इत्यादि स्तोत्रों से। और आठवां श्लोक में देवी के ही सूक्ष्म रूप का वर्णन करते हैं, सुधा सिंधोर मध्य, इस प्रकार से यही श्लोक में भजन दित्वाम धन्या कदि जनचितानंद लहरी, ये आनंद लहरी नाम, ये जो 41 श्लोक का नाम है वो इसी श्लोक में आया हुआ है। तो देवी का उस रूप का वर्णन किया जो तंत्र शास्त्र अनुसार है, और जिसके आराधना संकल्प भावना हमें उपासना करते समय करनी चाहिए, इसका 7 और 8 दोनों श्लोक में वर्णन किया है। और उसके बाद में अभी देवी की आराधना का प्रसंग आरंभ हो गया है, तो तदनुगुण 9वां श्लोक में तंत्र शास्त्र के अनुसार और योग शास्त्र के अनुसार कुंडलिनी एवं चक्रों के माध्यम से इस पराशक्ति परमात्मा का ध्यान कैसे किया जा सकता है, उसका वर्णन 9वां श्लोक में करते हैं। मही मूलाधार, स्पष्ट रूप से षट चक्रों का वर्णन किया, और षट चक्रों में किस प्रकार देवी की भावना करनी चाहिए और सहस्रार पद्म में कैसे ले जाना चाहिए,
ये वर्णन इसमें मिलता, इसकी व्याख्याएं संस्कृत व्याख्याएं देखेंगे आपको विस्तार से उसमें वर्णन मिलेगा। यहाँ विस्तार करने का प्रसंग नहीं है, इसलिए हम उसको केवल आपको परिचय दे रहे हैं। तो 9 और 10 दोनों श्लोक में इसी संबंध में वर्णन किया गया है, और 11वां श्लोक में श्री चक्र का स्वरूप वर्णन किया। ये अद्भुत है कि कैसे शंकराचार्य जी भगवान अपने कवित्व के इतने कुशल और निपुण कवित्व को प्रयोग करते हुए एक श्लोक में संपूर्ण श्री चक्र का आकार का वर्णन करते हैं। ये इतना प्रामाणिक है कि इसी के आधार पर बहुत सारे अन्य ग्रंथ बने हैं। तो ये 11वां श्लोक में आपको प्राप्त होता है, चतुर्भिः श्रीकंठे शिवयुवदिभि पंचभिरभि प्रभिन्नाभिशंभो नवभिरभि मूल प्रकृतिभि। तो जो 9 कोण है, 9 त्रिकोण है, उसका 4 शिव का और 5 देवी का, इस प्रकार से जो कवलाचार्य से और समयाचार्य से दोनों की दृष्टि से जिसको माना जाता है, इस प्रकार का वर्णन यहाँ किया गया है। ये भी आप व्याख्याओं से विस्तार इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद 12 और 13 दोनों श्लोकों में कि सृजन शक्ति का वर्णन किया है, जिसको हमने अभी काम के रूप में या कामना के रूप में स्व काम यदा इत्यादि 5 और 6 श्लोकों में देखा है, उसी का और प्रकार से विस्तार करते हैं 12वां और 13वां श्लोक में। और उसकी उपासना से जो फल प्राप्त होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सभी लोग आकर्षित होते हैं और सभी वशीभूत होते हैं इत्यादि जो भाव है, इसको यहाँ वर्णन किया गया। तो जब वशीकार की बात करते हैं तो वशीकार अपने इंद्रिय संयम ही होता है, इंद्रिय संयम को ही शास्त्रों में वशीकार के रूप में कहा गया, ये भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद 14 श्लोक में शक्ति प्रवाह का वर्णन है, जो सेंद्रिय इंद्रियों के सहित हमारे शरीर है, शरीर में वो पराशक्ति की जो पहले के जो सृष्टि की शक्ति है, वो शक्ति किस प्रकार शरीर में प्रवाहित होती है, इसका वर्णन किया है। मयूख नाम से शक्तियों को यहाँ कहा गया है। और 15वां श्लोक में यहाँ देवी को सरस्वती के रूप में जान करके 15वां श्लोक, 16वां श्लोक और 17वां श्लोक, ये तीनों श्लोक में विद्या के लिए प्रार्थना है। तो ये तीनों श्लोक का अर्थ आप चिंतन करेंगे तो उसमें जो आदि वाणी है वाक सिद्धि, और उसी के बाद सामान्य वक्तृत्व की सिद्धि और महाकवित्व की सिद्धि, ये तीनों के लिए 3 श्लोक का वर्णन किया है। त्रिपुर सुंदरी को यहाँ सरस्वती के रूप में शंकराचार्य जी भगवान ने भावना से प्रकट किया है। और 18 श्लोक में और 19वां श्लोक में दोनों में लोकवश्यता और इंद्रियवश्यता और स्वयं संयम इत्यादि के भाव में वर्णन किया गया है। और 20वां श्लोक में ज्वरादि नाश यानी रोग नाश के लिए, क्योंकि ये सब कुछ वर्णन करने पर भी किसी के शरीर अस्वस्थ है तो उसी की चिंता लगी रहती है। कभी कभी संतों के पास भी जाकर के लोग भक्त अपने भाव प्रकट करते हुए रोग निवारण की प्रार्थना करते हैं, जबकि संतों के पास जाकर के ज्ञान की प्रार्थना करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, किंतु हमारे रोग ठीक हो जाए, हमारे गृहस्थ में सब कुछ ठीक हो जाए, इस प्रकार की भी प्रार्थना करते हैं। शायद इसी को मन में रख करके शंकराचार्य जी भगवान ने यहाँ एक स्तोत्र रचना की, जो इस भाव को प्रकट करते हैं उनके लिए ये स्तोत्र उपयुक्त होगा। ऐसे ज्वर पुष्टान दृष्टिया सुखय अधि सुधा धार शिराया, ऐसे पंक्ति उसमें आते हैं, ज्वर आदि सारे रोग का निवारण के लिए प्रार्थना है। उसके बाद 21वां श्लोक में देवी की पराकला जो ध्यान के विषय बनते हैं तंत्र शास्त्र के अनुसार, उसका वर्णन किया है। और 22वां श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन भक्ति का किया है, इतना सुंदर वर्णन भक्ति का शायद ही कोई कर पाए। ऐसा वर्णन किया कि देवी से प्रार्थना करने के लिए कोई भक्त जाता है, भवानी त्वम दासे मयि वितर दृष्टिम सकरुणाम,
ये वाक्य बोल करके मैं प्रार्थना करूं, हे भवानी, आप मुझ दास में आपके सकरुण दृष्टिपात करिए, इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए जाता है। किंतु वो अपने असामर्थ्य के कारण या भाव विह्वल होने के कारण पूरे वाक्य नहीं कर पाता है, केवल इतना बोलता है भवानी त्वम, इतना बोल करके उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, भाव विह्वल हो जाता है। तो इतना बोलने पर भी माता जी पूर्ण आशीर्वाद उनको दे देते हैं और उसको सफल बना देते हैं। निज सायुज्य पदवीम का, अपने मोक्ष पद तक को वो प्राप्त करते हैं। इस प्रकार बहुत सुंदर भक्ति का वर्णन किया कि एक भक्त का भाव तो आप जानते ही हैं कि भक्त जब कहने लगता है तो उनका भाव प्रकट होता है तो कंठावरुद्ध हो जाता है, ये भाव को यहाँ प्रकट किया गया। उसके बाद 23वां श्लोक में अर्धनारीश्वर का वर्णन और 24वां श्लोक में त्रिगुण, तीन देवों के द्वारा जो प्रसिद्ध पंचदेव हैं, ब्रह्म विष्णु रुद्र शिव सदाशिव इत्यादि नाम से तंत्र शास्त्रों में प्रसिद्ध है, उसका वर्णन किया। और शक्ति पूजन कैसे करते हैं, त्रिदेव अपने शक्ति पूजन को कैसे करते हैं, इसी को 25वां श्लोक में वर्णन किया। और 26वां श्लोक में महासंहार के समय में, महाप्रलय के समय में कैसे चैतन्य मात्र पुरुष यानी शिव शक्ति ऐक्य होकर के जो परमात्मा है वो शेष रहता है, महासंहारेस्मिन् विहरति सति तत्पति रसौ, ऐसा वर्णन किया है वहाँ। तो इस प्रकार सृष्टि स्थिति और संहार साथ में वर्णन करते हुए आगे 27वां श्लोक में और एक सुंदर वर्णन आता है, मानस पूजा का वर्णन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जो साक्षात पूजन नहीं कर सकते हैं, सामग्री एकत्रित करके समय के अनुसार पूजन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मानस पूजा का विधान आचार्य शंकराचार्य जी ने किया। ये एक विलक्षण है कि उन्होंने शिव मानस पूजा की रचना की कि आप अन्य पूजा नहीं कर सकते तो भावना से पूजा संपन्न करें, कि जैसा संध्या वंदन आदि करते हैं, नित्य पाठ करते हैं, तो उसी को भावना से भी पूजा के रूप में कर सकते हैं। ऐसा त्रिपुर सुंदरी को भावना के द्वारा मानस पूजा करने का विधान 27वां श्लोक में, जपज्जल्पो शिल्पम सकलमपि मुद्रा विरचना, अपने जो नित्य प्रवृत्ति है उसी को ही पूजा मानना, ऐसे ही निर्गुण मानस पूजा नाम के ग्रंथ की रचना की। हम इसका प्रमाण देखते हैं तो, क्योंकि आचार्य कोई प्रमाण के बिना कुछ नहीं कहते, तो प्रमाण देखते हैं तो हमें उपनिषदों में वेदों में ऐसा मिलता है, जैसे छांदों के उपनिषद में है, आयु को अपने पूरे जीवन के आयु को ही यज्ञ रूप में कल्पना करके प्रातः सवन माध्यम दिन सवन और तृतीय सवन, ये तीन प्रकार की कल्पना करके जीवन को ही यज्ञ बनाने की विधा वहाँ कहा गया है, ये आप छांदोग्य उपनिषद में देख सकते हैं। और इसको लेकर के ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय तृतीय पाद में दो तीन अधिकरण आता है जिस पर इसका निर्णय किया गया, यानी ये जो शिव मानस पूजा हो या देवी मानस पूजा हो या यहाँ जो कहा हुआ जो मानस पूजा की विधान हो, ये सारे ही प्रामाणिक है, आचार्य जी ने उस परंपरा का अनुसरण किया है। और उसके बाद 28 और 29 श्लोक में देवी के पादिवृत्य की महिमा का वर्णन है, जो सामान्य जनों के लिए, हमने पहले कहा था कि स्तोत्र सामान्य जनों के लिए है, तो उनकी भावना तक पहुंचने के लिए एक पादिव्रता स्त्री के रूप में देवी का वर्णन और उसकी महिमा गाई है और उससे क्या प्रयोजन होता है, गृहस्थ कितने श्रेष्ठ होते हैं, इस विषय में वहाँ वर्णन मिलता है। और 30वां श्लोक में सायुज्य भावना से देवी की आराधना का वर्णन है और 31वां श्लोक में सकल पुरुषार्थ के लिए एक स्वतंत्र तंत्र के रूप में, स्वतंत्र विद्या के रूप में इसकी रचना हुई है, जो मैंने अभी अभी आपको बोधघात में यहाँ उल्लेख किया था कि सारे पुरुषार्थ इसमें प्राप्त होता है, इसका प्रमाण 31वां श्लोक में किया गया है। वहाँ शिव और पार्वती के संवाद के रूप में एक आगम शास्त्र के प्रमाण को प्रकट करते हुए आचार्य ने सकल पुरुषार्थ के लिए ये श्रीविद्या मंत्र, श्रीविद्या की उपासना
और ये श्री विद्या के अंतर्हित ही ये स्तोत्र के महिमा वहाँ गाई गई है। और 32वां श्लोक में शिव शक्ति आदि रूपों में वर्णन है, 33वां श्लोक में श्री विद्या के जो मंत्र का प्रयोग, श्री विद्या मंत्र का प्रयोग का वर्णन किया है, और 34 और 35वां श्लोक में देवी का विश्व रूप का वर्णन, जिसका मैंने गत जो सत्र है जिसमें हम विचार किए थे, शरीरम त्वम शंभो विश्व रूप का वर्णन, वो मनस्तम व्योमस्तम इत्यादि उसका वर्णन यहाँ आता है। और 36 से लेकर के आगे का जो श्लोक है 41 तक, ये चक्रों में आज्ञा आदि चक्रों से, यानी ऊपर से नीचे के ओर आज्ञा आदि चक्रों में ध्यान करने का विधान प्रकार बताया गया है। और उसके बाद में जैसा हमने कहा, यहाँ 41वां श्लोक में आकर के आनंद लहरी समाप्त हो जाते हैं। तो आपको विषय सुनकर के ही मालूम हो गया होगा ये कितने गंभीर है ये आनंद लहरी का भाग। और उसके बाद जो भाग आता है वो 42वां श्लोक से 96 श्लोक तक, वैसा तो 100 श्लोक तक है लेकिन 96 श्लोक तक परमेश्वरी का केशादि पाद वर्णन बहुत सुंदर मनोहर रूप में वर्णन किया गया है। क्योंकि हम जब देवी या देवता किसी की उपासना करते हैं, सुंदर से सुंदर रूप की उपासना करते हैं, और ये भी हम व्यवहार में भी देखते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने बहन या भाई या पिता या मादा को कुरूप नहीं देखना चाहता, सुंदर रूप में देखना चाहता है। कोई पति है तो पत्नी को सुंदर रूप में देखना चाहता है, पत्नी है तो पति को सुंदर रूप में देखना चाहता है। तो अभी हमारी माता है, माता को हम सुंदर रूप में देखते ही हैं। तो माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो या कोई भी हो, परस्पर में उत्तम से सौंदर्य का दर्शन अपने नातों के साथ भी करना चाहते हैं, मित्रों के साथ भी करना चाहते हैं। तो इसीलिए सौंदर्य आत्मा का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। यो कहें कि सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वो जब सृष्टि के रूप में प्रकट हुआ वो सौंदर्य के रूप में प्रकट हुआ। हमें एक पुष्प को देकर के परमात्मा याद आ जाता, एक सुंदर वृक्ष देकर के परमात्मा याद आ जाता, और एक नदी का सुंदर प्रवाह देकर के हम परमात्मा को याद करते हैं। तो ये उनका ही रूप है। और इंद्रो माया भिपुर रूप ईयते तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय, ऐसा बृहदारण्य उपनिषद में मंत्र आया, उसी का अर्थ यहाँ प्रकट किया गया। और उसके बाद जो अंतिम 4 श्लोक है 97 से लेकर के 100 श्लोक तक, इसका फल कथन के रूप में कहा जा सकता है। गिरा माहुर देवी इत्यादि आरंभ होते हैं, और चरणामृत की स्तुति है, विद्या प्राप्ति के लिए चरणामृत की स्तुति है वहाँ। और 99 श्लोक में स्पष्ट रूप से फल कथन करते हैं, सरस्वत्या लक्ष्म्या विधि हरि सवत्नो विरहते रदे पादिव्रत्यम शिथिलयति रम्येण वपुषा चिरं जीवन्ने वक्षभित पशुपाशव्यधिकरः परानन्दाभिज्ञं रसयति रसं तद्भजनवान्। सभी प्रकार के फल का वर्णन किया, सरस्वती का नाम लेकर के विद्या की प्राप्ति, और हृदय प्राधिपत्यम इत्यादि से लेकर के आरोग्य स्वास्थ्य सुख की प्राप्ति, और चिरजीविका की प्राप्ति, चिरजीव का प्राप्त हो जाना, और उसी प्रकार परमानंदाभिख्यम इत्यादि शब्दों से मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति। तो ये सब कुछ एक श्लोक में कहा। और अंतिम श्लोक का भी हम उच्चारण करते हैं, अंतिम श्लोक समर्पण श्लोक है, जो हमारी परंपरा के अनुसार पूजन आदि करने के बाद में समर्पण करते हैं। तो वो समर्पण श्लोक है, जैसा पहला श्लोक में कहा है शिव शक्त्यायुक्तो इत्यादि से स्तोत्र की महिमा गाई है, और जो स्तोत्र के उपासना करते हैं उपासक की भी महिमा वहाँ कही गई है। इसी प्रकार कहते हैं समर्पण भाव से कि इतना बड़ा सुंदर श्लोक रचा, इसमें कोई अहंकार का भाव, अभिमान का भाव आचार्य के मन में नहीं है, ये आपकी ही कृपा से, उस पराशक्ति ही कृपा से ये स्तोत्र संपन्न हो पाया है, किसी को आचार्य जी हम प्रकट करते हैं।
प्रदीपज्वालाभिदिवसगरनीराजन विधि सुधासूते चंद्रोपलजललवैरघ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिः तव जननि वाजां स्तुतिरियं। त्वदीयाभिर्वाग्भिः, आपके ही वाणियों से, आपके ही शक्ति से मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ। हे जननी, वाजां स्तुतिरियं, ये आपकी ही स्तुति है। और त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्प्यते, ये भाव जैसा हमारे अंदर होता है, ऐसे ही भावना से आचार्य जी ने 100वां श्लोक में इसका वर्णन किया। और ये कहा कि हमारा स्तोत्र तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है और समुद्र को अर्घ्य देना जैसा है, तो इस प्रकार से इतना ही अल्प भाव है इसमें, अल्प है ये स्तोत्र, आपके सामने ये क्या हो सकता है, ऐसे ही भाव से वहाँ समर्पण किया। जैसा शिव महिम्न स्तोत्र में आता है, महिम्न पारम ते इत्यादि से, ऐसा ही यहाँ भी वर्णन करके समाप्त करते हैं। ये अल्प समय में जो भी सौंदर्य लहरी स्तोत्र के बारे में संक्षेप परिचय हो सका, मैंने आपके सबके उपयोग के लिए प्रकट किया। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें इसका ज्ञान और प्राप्त करने के लिए, आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। अब कोई कुछ प्रश्न इसके बीच में पूछना चाहते हैं, थोड़ा 5 मिनट समय है, पूछ सकते हैं। नारायण। हरिओम। हरिओम आचार्य जी, एक प्रश्न था मेरा, पूछिए। शंकराचार्य जी ने देवी के स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूपों का वर्णन किया है जी, तो किसी साधक को देवी के किस रूप की साधना करनी चाहिए? पहले 7वां श्लोक में जैसे कहा उस प्रकार स्थूल रूप का पहले ध्यान आरंभ कर देना चाहिए। तत्पश्चात जैसे मन और स्थिर हो जाते हैं और एकाग्र हो जाते हैं, अंतर्मुख हो जाते हैं, वैसे 8वां श्लोक में कहा हुआ वो सूक्ष्म रूप का भी चिंतन करना चाहिए। बोलिए। नारायण। सूक्ष्म और स्थूल की ये व्याख्या है, पंजीकृतत्वम स्थूलत्वम, अपंजीकृतत्वम सूक्ष्मत्वम, ये वेदांत प्रक्रिया के अनुसार ऐसा है। और सांख्य की दृष्टि से कुछ और है, लेकिन वेदांत प्रक्रिया के अनुसार जो पंचीकृत भूतों से बना हुआ जो हो, जो 5 इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करने के योग्य हो या उससे कम में प्राप्त करने योग्य हो, इंद्रियों के लिए साक्षात विषय हो, उसको स्थूल कहा जाता है। और ये स्थूल में आपने जैसे तर्क संग्रह आदि का अध्ययन किया होगा, उसमें पार्थिव शरीर, जलीय शरीर, आग्नेय शरीर, वायवीय शरीर, इस प्रकार के शरीर का भी वर्णन किया। हमारे सब जो शरीर है ये पार्थिव शरीर है, यानी इसमें पृथ्वी तत्व अधिक है। अन्य जीवों के जलीय शरीर भी होते हैं, आग्नेय शरीर होते हैं जो अग्नि के रूप में है, हमें दिखाई नहीं देते हैं। बहुत सारे अभी जैसे बैक्टीरिया, ये वायरस आदि जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं और कीटाणु होते हैं, इनको हम आग्नेय शरीर ही कह सकते हैं किसी स्तर पर। और वायवीय शरीर देवता और भूत प्रेत पिशाच, इनका वायवीय शरीर होते हैं। तो इस प्रकार के शरीर का वर्णन आता है। और यहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में आकाशीय शरीर का भी वर्णन किया है, तो ये आकाश के रूप में ही वर्णन किया गया है वहाँ बृहदारण्यक उपनिषद में। इस प्रकार शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर हमारे 17 तत्वों का बना हुआ होता है, जो मन आदि 17 तत्व हैं इनके बने हुए होते हैं, और कई अन्य सिद्धांत के अनुसार 18 तत्व, 19 तत्व, जैसा भी हो, ये मन आदि के जो अंतर्मुख होने के जो भाव है उसी में आपको सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है। और सूक्ष्म शरीर का अनुभव स्वप्न में कर सकते हैं, स्थूल शरीर का अनुभव जागृत में करते हैं जी। नारायण। नमस्ते गुरुवर जी। आपने जो आकाश देव के बारे में बताया, बृहदारण्यक भाष्य में
वो कहाँ है उसका उल्लेख? हाँ, वह ये अभी मैं संख्या याद नहीं कर रहा हूँ कि उसमें आकाश शरीर करके आकाशमय प्राणमय वायुमय ऐसे वहाँ आता है। ये मैं रेफर कर मतलब नंबर संख्या मुझे याद नहीं आ रहे, मैं रेफर करके बता सकता हूँ आप। मंत्र बुक उसमें भाष्य, शंकराचार्य जी का भाष्य भी है, शंकराचार्य जी के भाष्य में भी उसी को वर्णन किया गया है विस्तार से। वैसे तो आकाश शरीरम ब्रह्मा ऐसा शब्द छांदोग्य में भी आता है, आकाश शरीरम ब्रह्मा ये शब्द आता है। हाँ, और जो स्थूल शरीर है वो जागृत देखा जा सकता है, उसको मतलब उसको समझा जा सकता है जी। तो जब देवी की उपासना करेंगे हाँ, तो शरीर को कैसे उपासना होगी? क्या वो स्वप्न अवस्था में जाकर उपासना? नहीं, स्वप्न अवस्था मतलब मैं अपने ढंग से जो अपना जो स्वयं अनुभव करते उसको कहा। सूक्ष्म शरीर का अर्थ होता है कि स्थूल तो आकार दिखाई पड़ेगा, जो आकार आपको स्पष्ट एक मादा के रूप में एक आकार दिखाई पड़ेंगे, ये तो हो गया। उसका वर्णन में आपको अलंकार दिखाई पड़ेंगे, उनके जो है केश आदि जो अलंकार है सारे कुछ दिखाई पड़ेंगे जो हम भाव चित्र देखते हैं, ये स्थूल रूप इसको कहते हैं। और इसका जो कारण है, जैसे हमारे शरीर का भी कारण है वो अपंजीकृत पंच महाभूत है, जो तन्मात्रा के रूप में भूत है उनको हम कहते हैं, और उन्हीं के द्वारा मन आदि इंद्रिय आदि बने हुए हैं, ठीक है। तो अब उसी के द्वारा मन के अंदर जो भावनाएं होती है, जैसे चक्रों के अंदर जो प्रावना जो षट चक्र है योग की विधि में उनकी जो भावनाएं होती है, उनके द्वारा जो ज्ञान आपको होता है ये चक्षु खोल करके यानी आंख के द्वारा साक्षात नहीं होता, ये आपके मन के अंदर प्रकट होता है। मन के अंदर प्रकट होने के कारण उसको सूक्ष्म कहा गया, यानी ये मानसिक ही होते हैं, मन के अंदर प्रकट होते हैं। इसके साथ आप स्वप्न का तारतम्य कर सकते। आपने बताया बौद्ध दर्शन में तात्विक के लिए देवी उपासना की जाती है जी, इसके बारे में थोड़ा सा और बता दीजिए। देखिए, आप बौद्ध दर्शन का कोई सामान्य ग्रंथ भी यदि पढ़ेंगे, उनके साधन के सामान्य ग्रंथ पढ़ेंगे, तो उनमें कई प्रकार के देवी देवता हैं, जो हमारे देवी देवताओं के नाम से नहीं है, दूसरे देवी देवताओं के नाम से है, तो वो तांत्रिक विधि से उनकी उपासनाएं करते हैं। ये प्रसिद्ध ही है, ये कोई मतलब रहस्य बात नहीं है। और उनके जो मंत्र होते हैं, जो अब हम मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहते, तो मंत्र जो होते हैं वो मंत्र भी देवी के रूप में ही मंत्र है, देवी की प्रार्थना के रूप में ही मंत्र वो जप करते हैं। तो यह आप बौद्ध दर्शन का कोई भी सामान्य ग्रंथ आप रेफर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आचार्य, श्लोक नंबर 15, 16 और 17 में आपने बताया कि तीन सिद्धियां होती हैं। हाँ, एक वाक्य सिद्धि होता है और बाकी तो हम नहीं लिख पाए इसको। हाँ, तो इसमें देखिए 15वां में मधु क्षीरा आद्राक्षा इत्यादि शब्द आता है, जिससे वाणी की सृष्टि के आदि काल में जो वाणी है उसको लेकर के प्रार्थना है, वाणी देवता की प्रार्थना है, ठीक है। और उसके बाद 16 नंबर में कदाचित् अरुणामेव भवति, इसी प्रकार सूर्योदय के समय जो अरुण वर्ण है, सृष्टि का सार जिसको कहा जाता है, जो लाल रंग है, तो उस रजोगुण से लेकर के सृष्टि के कार्य को ही दिखा करके वहाँ गंभीर वाक्य सिद्धि यानी गंभीर यानी अर्थ सहित, जैसे आचार्य लोग वक्तव्य देते हैं उनके वाणी में एक एक शब्द में अर्थ छुपा हुआ होता है, अर्थ भरा हुआ होता है, तो ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं तो ऐसी वाणी की सिद्धि होते हैं, ये कहा 16 नंबर में। और 17 नंबर में वशिन्यादि वाग देवताओं के सहित देवी की उपासना बतलाई है, जो तंत्र शास्त्र के अनुसार सर्वविध वाक् सिद्धि के लिए प्रयुक्त है और उसमें कवित्व महाकवित्व के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए वहाँ वो शब्द ही आता है 17 नंबर में, सवित्री भिर्वाजाम शचिभि शिलामा भंगारुजिभि वशिन्याद्याभिस्त्वं सहजननी संचिन्तयति सकर्ता काव्यानां भवति महतां भंगिरुजिभि,
अब देखिए सकर्ता काव्यानाम भवति ऐसा कहा है वहां, और वजोभिर्वाग देवी वदन कमला मोद मधुरी। तो ये तीन श्लोक स्पष्ट रूप से सरस्वती देवी के अलग अलग स्तर पे है और विद्यार्थियों के लिए हमारे समझ में बहुत उपयुक्त है और कई लोग इसको प्रयोग करके अनुभव भी किया है। यदि आपका भाव हो तो आप भी प्रयोग करके देख सकते हैं, इसका अनुष्ठान करके, प्रतिदिन इसका उच्चारण करके, भावना से प्रार्थना करके देख सकते हैं तो ये प्राप्त होता है। इसमें कोई और नियम की आवश्यकता नहीं है, अपने शुद्ध भाव में प्रातःकाल में ये प्रार्थना करें। और प्रातःकाल कहते समय वाक् सिद्धि के लिए, देवी उपासना के लिए, सरस्वती उपासना के लिए हम 4 बजे के बाद का जो समय है, 4 बजे और अरुणोदय के पहले यानी सूर्योदय के पहले का जो समय है जिसको सरस्वती मुहूर्त आदि कहा जाता है, उसी समय करने से अवश्य ही इसका फल त्वरित हो जाता है। तो मंगलाचरण करके समाप्त करते हैं। ॐ शारदा शारदाम्भोजवदनावदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया। सबको धन्यवाद।